तो मेरे भाई लोग, आप लोग YouTube पर सर्च कर करके थक चुके हो कि कोबरा बंडल रिटर्न कब आएगा, लेकिन अभी तक आप लोगों को पता नहीं चला है कि आप लोग का कोबरा बंडल रिटर्न कब आएगा। पार्ट पेंसठ बंडल के लिए भी बहुत सारा भाई इनोवेट कर रहे हैं और कोबरा MB40 ले की भी बहुत सारा भाई इनोवेट कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को अभी तक नहीं पता चल रहा है कि यार ये सब कुछ आप लोगों को कब तक रिटर्न में देखने के लिए मिलेगा। तो गाइस टेंशन नहीं करने का, आपका भाई है ना, आप लोगों को अपडेट का अपडेट देता जाएगा। मेरे पास तो अभी 3 महीने तक ही अपडेट है, तो 3 महीने के अंदर गेम के अंदर क्या चीज आएगा उन सब के बारे में आज की वीडियो पर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों का कमेंट कर में, और बात करेंगे अपकमिंग फ्री फायर के सभी इवेंट्स कर में। तो चलो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं भाई लोगों का कमेंट कर में बात करें तो यहाँ पे भाई ने मैसेज किया है कि भाई ब्लैक टी शर्ट रिटर्न का अपडेट, तो ब्लैक टी शर्ट भाई कुछ दिन वेट करना पड़ेगा इसके लिए। इसके बाद में भाई ने मैसेज किया कि स्टोर पर डिस्काउंट और समुराई बंडल कब आएगा, तो बता दो जरूर से। तो समुराई बंडल का मैं बता दूंगा, और स्टोर पर डिस्काउंट अभी आप लोगों को फेब्रुअरी मंथ को आएगा। इसके बाद में भाई सेतमाना बंडल कब आएगा बैक, तो मैं अच्छे से देख नहीं पा रहा हूँ, इसके लिए पढ़ नहीं सकता हूँ, सॉरी भाई। ये वाला बंडल के बारे में अभी तक तो कोई मेरे पास लिक्स नहीं है, फिलहाल में कोई भी लिक्स वगैरह मिलता है तो ज़रूर बताऊँगा। इसके बाद में कोबरा बंडल और कोबरा MP40 कब आएगा, लोअल इमोट के बारे में कुछ बताओ और कब आएगा। तो देखो यहाँ पर और एक बात बता देता हूँ, कोबरा MP40 आप लोग को नेक्स्ट मंथ को आ जाएगा, कोबरा बंडल भी आप लोग को सेम टू सेम ही है। और यहाँ पर और एक बात है कि लोअल इमोट कब आएगा, इसके बारे में बात करें तो देखो लोअल इमोट आप लोग को कुछ दिन में इमोट कैप्सूल देखने के लिए मिलेगा, अपडेट मिलती है बता दूंगा। अभी ज्यादा दिन नहीं है, कुछ ही दिन के अंदर अंदर इमोट कैप्सूल इवेंट आएगा। इसके बाद में गाइस यहाँ पे जो आप लोग का अपडेट के बाद सबसे पहला इवेंट देखने के लिए मिलेगा ना, वो है आप लोग का चावस इवेंट। गाइस आप लोग को पता है, मैं आप बहुत दिन से बता कह रहा हूँ कि आप लोग को चावस इवेंट गेम पे सबसे पहले देखने के लिए मिलेगा अपडेट के बाद। तो गाइस इसी तरफ से आप लोग का जो चावस इवेंट आएगा उसका बंडल यहाँ पे देख लो, और इसका एनिमेशन का लुक से भी यहाँ पे सब कुछ आप लोग अच्छे से देख लो, पूरे के पूरे वीडियो क्लिप ला के दिया हूँ, तो आप लोग यहाँ पे अच्छे से देख लो, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि बंडल वगैरह कैसा होने वाला है। अभी यहाँ से आप लोगों को अंदाजा लगा सकते हो कि बंडल के लिए डायमंड जमाओगे क्या नहीं। अगर आप लोगों को इस बंडल को निकालना है तो ही आप लोग इसके लिए डायमंड को जमाना, बाकी तो आप लोगों को शायद निकालना है तो आप लोग डायमंड तो जमा ही सकते हो। आप लोगों को तो बहुत कुछ चीज़ अभी रिटर्न चाहिए। और यहाँ पे देखो और एक फीमेल की बंडल गाइस, ये भी बहुत ही ओपी टाइप का देखने के लिए मिलता है, लेकिन ये वाला फीमेल की बंडल शायद गिरना आप लोगों को फ्री में ही देगा। बाकी तो यार फीमेल का बंडल ले लेके तो मेरा आईडी पूरा फीमेल का बंडल से भर चुका है, तो आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताओ आपके साथ भी क्या ऐसा ही होता है। इसके बाद में गाइस यहाँ पे और भी काफ़ी सारा चीज़ देखने के लिए मिलेगा, अपडेट देखने के लिए मिलेगा, सब कुछ करके मैं आप लोगों को बता चुका हूँ चावस इवेंट का। इसके बाद में गाइस काफ़ी सारा भाई का कमेंट था कि भाई यार यहाँ पे कोबरा बंडल रिटर्न कब आएगा बोल दो, मैंने 20 बार कमेंट कर दिया है। भाई कितना बार कमेंट किया है, मैं तो इतना बार पिक भी नहीं कर सकता हूँ, इसके लिए पिक नहीं किया है, बस और एक बार यहाँ पे 2-3 बार यहाँ पे कमेंट किया है भाई ने कि कोबरा बंडल रिटर्न कब आएगा, कोबरा बंडल रिटर्न कब आएगा, ऐसा करके बहुत बार कमेंट किया है। तो देखो आप लोग बहुत बार भी कमेंट करते हो तो मैं एक ही बार लूंगा, क्योंकि देखो इतना तो मतलब नहीं ले सकता हूँ एक वीडियो के अंदर, बाकी सच्ची में भाई ने बहुत बार मुझे कमेंट किया था। इसके बाद में यहाँ पे और एक भाई ने मैसेज किया कि भाई वीडियो बहुत अच्छा है, प्लीज़ रिक्वेस्ट मी लो UID यहाँ पे दिया है भाई का, तो रिक्वेस्ट में ले लूँगा भाई। यार मेरे पास तो अभी फ्रेंड लिस्ट भी फुल हो चुका है, ठीक है, मैं कोई एक बंदे को यहाँ पे डिलीट करके आपका रिक्वेस्ट ले लूँगा। और कोबरा MP40 कब आएगा प्लीज़ बता दो, और रिक्वेस्ट भेज दूंगा, टेंशन की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में यहाँ पे भाई ने मैसेज किया है कि भाई रैम्पेज हाइब्रिड फिस्ट 5 कब आएगा, 1 साल हो चुका है अभी तक रिटर्न नहीं आया। तो देखो अभी यार रैम्पेज का मतलब क्या, फिस्ट का क्या बारे में क्या बताऊँ, अभी तक कोबरा बंडल ही 1 साल क्या 1.5 साल 2 साल हो चुका है रिटर्न नहीं आया, तो यार फिस्ट किन कहाँ से देगा गिरना। इसके बाद में यहाँ पे देखो भाई स्कॉर्पियो इवो बंडल के बाद में कौन सा इवो बंडल आएगा, तो स्कॉर्पियो इवो बंडल के बाद शायद मैं शायद जितना तक जानता हूँ कि आप लोगों को और एक न्यू इवो बंडल आएगा, उसके बाद अभी जो न्यू बंडल आएगा मतलब जो ओल्ड बंडल आपको रिटर्न में देगा उसके बारे में तो अभी तक मैं नहीं जानता हूँ। फिलहाल मैं और 1 महीना जाने दो तो मेरे पास 4 महीने की लिक्स आ जाएगा, तो मैं तुरंत के तुरंत आप लोगों को बता सकता हूँ कि कौन सा न्यू या फिर कौन सा पुराना आइटम आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद में भाई ने मैसेज किया कि भाई कोबरा MP40 रिटर्न कब आएगा, तो कोबरा MP40 नेक्स्ट मंथ को आ जाएगा भाई, और आप लोगों को टेंशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इवो वर्ल्ड के अपडेट में कल ही देने वाला हूँ, तो कल की वीडियो को आप लोग जरूर देखना। इसके बाद में काफ़ी सारा भाई का कॉमेंट था कि हमारा थाला इवेंट और थाला कैरेक्टर कर में, क्योंकि हमारा जो थाला इवेंट है वो भी अभी तक इंडियन सर पर देखने के लिए नहीं मिला है, और थाला का जो कैरेक्टर है वो भी हम लोग को देखने के लिए मिला नहीं है। तो थाला कैरेक्टर क्या अभी तक रेडी नहीं हुआ है, तो रेडी नहीं हुआ है ऐसा नहीं बोलूंगा, थाला कैरेक्टर रेडी हो चुका है,
लेकिन उसका जो आप लोगों को ये देखने के लिए मिलता था ना स्किल वगैरह, वो अभी तक रेडी नहीं हुआ है, ठीक है। थाला कैरेक्टर रेडी हो चुका है, स्किल अभी तक वर्क कर रहा है गिरना, इसके लिए अभी भी आप लोग को देखने के लिए मिल नहीं रहा है। तो उसका इवेंट आप लोग को कुछ ही दिन में देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद में भाई लोग का मैसेज था कि ब्रो मेरा UID, तो यहाँ पे UID तो दिया नहीं भाई ने, बाकी यहाँ पे सिर्फ कमेंट कर चुका है। और उसके बाद ने एक भाई ने मैसेज किया है कि ब्रो मुझे हिप हॉप चाहिए रिटर्न में, प्लीज़ बता दो। तो रिटर्न में हिप हॉप चाहिए, मतलब यार अभी वेट बहुत टाइम तक करना पड़ेगा, क्योंकि देखो हिप हॉप बंडल अभी मतलब क्या बताऊँ, अभी 2 साल के जैसा होने जा रहा है। हिप हॉप आया था तो 1 साल हो चुका है, ठीक है, 1 साल ही हुआ है, 1.5 साल ही हुआ है बस आप लोग को हिप हॉप रिटर्न में आया था। तो यार अभी तो गिरना नहीं डालेगा, वो तो बहुत ही रेयर आइटम है। इसके बाद में भाई कोबरा MP40 कब आएगा, तो नेक्स्ट मंथ को आ जाएगा भाई। उसके बाद में इवोस कार कब आएगा, तो इवोस कार नेक्स्ट मंथ को भी दे सकता है या फिर आप लोग का मार्च मंथ को भी आ सकता है। इसके बाद में यहाँ पे भाई का कमेंट है कि भाई इवो AK-47 कब आएगा, तो भाई अभी तो 15-20 दिन पहले ही था, उस टाइम क्यों नहीं निकल लिया भाई। अभी तो यार वेट बहुत दिन तक करना पड़ेगा, क्योंकि देखो अभी का अभी तो इवेंट खत्म हुआ है इसका, तो अभी तो गिरना न्यू तो नहीं डालेगा इसके लिए। इसके बाद में उसी भाई का यहाँ पे बहुत सारा कमेंट था, और एक भाई का कमेंट था कि ब्रो एयर ड्रॉप आया है 30 रुपीज़ का, 300 डायमंड है, 10 रुपीज़ से 20 रुपीज़ का रिडीम कोड के लिए। तो मेरे पास तो रिडीम नहीं था उस टाइम। इसके बाद में भाई ने मैसेज किया कि भाई कोबरा बंडल कब तक आएगा, तो कोबरा बंडल आ जाएगा भाई, टेंशन की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना आप लोगों को अपडेट देने के लिए, ज़रूर बता दूंगा बैनर निकलती। इसके बाद में भाई इनक्यूबेटर पैराफेल कब आएगा, और इनक्यूबेटर का एक्समेट कब आएगा बता दो विक्रम भाई। तो देखो इनक्यूबेटर का पैराफेल और एक्समेट के बारे में बात करें, तो एक्समेट ही सबसे पहले देखने के लिए मिलेगा, ज़्यादा दिन वेट नहीं करना है, वो भी 43 पे आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा जरूर से। इसके बाद में भाई ने मैसेज किया कि भाई आप भी फेक GB का YT का वीडियो देखते हो, वो रैम्पेज M10 कमेंट पे फेक भाई का हार्ट था, तो यार बहुत ही हंसने वाली बात है। इसके बाद में यहाँ पे सकुड़ा बंडल कब आएगा, तो सकुड़ा बंडल के लिए वेट करना पड़ेगा। और इसके बाद में भाई ने एक गेम खेलने के लिए बोला था, लेकिन गेम तो नहीं खेल पाया। बाकी यहाँ पे आप लोग और एक न्यू इवेंट देखो, जो आप लोग का गोल्डन सेट बंडल है, जिसको लेके मेरे पास काफ़ी सारा कॉमेंट आया था, तो मेरे पास काफ़ी सारा कॉमेंट आया था इसके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ऐसा नहीं है भाई इवेंट आया है इसके लिए मैं आप लोग को वीडियो बना के बता रहा हूँ। कि देखो अब में से काफ़ी सारा भाई का तो इस तरफ कमेंट मेरे पास आ रहा था, तो जो भाई ने मुझे मैसेज कर रहा था उसको बस एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि भाई ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, बाहर के सर्पर इवेंट चालू हो चुका है ना, तो इंडियन सर्पर भी आप लोगों को कुछ ही दिन में देखने के लिए मिलेगा। अभी तो फिलहाल में मेरे पास कोई अपडेट नहीं है, अपडेट वगैरह लिंक्स वगैरह मिलते ही मैं आप लोग को जरूर बता दूंगा। आप लोग डायमंड को सेव करना है तब तक। इसके बाद में यहाँ पे भाई ने मैसेज किया कि OP वीडियो ब्रो मैं ब्लैक टी-शर्ट अपडेट कर बताने चाह रहा है, तो ब्लैक टी-शर्ट भाई थोड़ा वेट करना पड़ेगा। इसके बाद में यहाँ पे रैग्नारोक एसोसिएशन क्रॉस कोलैबोरेशन कब आएगा, एनी लीक्स, तो एनी लीक्स तो मतलब अभी तो कोई ऐसा लीक्स नहीं है, अभी कुछ दिन में अपडेट है इसके लिए, अभी इसका कोई लीक्स नहीं मिल रहा है। इसके बाद में भाई रैम्पेज बंडल रिटर्न कब आएगा प्लीज़ बताओ, तो रैम्पेज के लिए भाई यार बहुत मतलब रोड होकर कमेंट करता है, लेकिन एक ही बात बताना चाहता हूँ कि यार देखो रैम्पेज के लिए अभी वेट करना पड़ेगा, अभी तो कुछ दिन पहले ही ख़त्म हुआ यार, 2-3 साल पे ही तो ख़त्म हुआ महीने में, तो अभी थोड़ा बहुत इसके लिए वेट करना पड़ेगा भाई यार, अभी तो मतलब 2 साल तो वेट करना ही पड़ेगा इसके लिए। तो यहाँ पे भाई का कमेंट था कि कोबरा बंडल कब तक आएगा, तो इसके लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, बता दूंगा वीडियो के अंदर ही। इसके बाद उन्होंने टेनर बंडल दो ना भाई, तो टेनर बंडल मैं तो यार गेम को ही नहीं खोला हूँ, 2 दिन तक ऑफलाइन हूँ, आप लोग जाके देख सकते हो, लेकिन हाँ मेरा भाई खेलता है इसके लिए शायद ऑनलाइन रह सकता है। इसके बाद में भाई बनी बंडल की इवेंट कितना डायमंड चाहिए प्लीज़ रिप्लाई मी, तो देखो अभी किसका लाख किसके ऊपर डिपेंड करता है ये तो मैं नहीं जानता हूँ, इसके लिए कम पे भी निकल सकता है ज़्यादा भी जा सकता है, लेकिन एक को निकलने में 2000 तक आप लोग पकड़ के रख सकते हो। इसके बाद में भाई क्रिमिनल बंडल कब तक आएगा, तो क्रिमिनल के लिए वेट थोड़ा सा करना पड़ेगा भाई। इसके बाद में और एक भाई का कमेंट यहाँ पे देख सकते हो, जो भाई ने मुझे कमेंट किया था कि इवो AK-47 रिटर्न कब आएगा, उसके नीचे में यहाँ पे 2-4 भाई ने ऐसा ऐसा कमेंट किया कि बहुत मैं हंस रहा था जब कमेंट को चेक कर रहा था, तो नहीं आएगा भाई। और एक भाई ने बता रहा है कि अभी तो आया था भाई, और एक भाई ने यहाँ पर लिखा है कि भाई तुम गजब आदमी हो, अभी तो 16 दिन पहले था इवो वर्ल्ड में, उस टाइम क्यों नहीं निकला, सच में भाई यार उसी टाइम निकल लेना चाहिए था, जब 15-16 दिन पहले आया था ना तो उस टाइम निकल लेना चाहिए था उस, क्योंकि उस टाइम था इसके लिए। इसके बाद में गाइस आप में से काफ़ी सारा भाइयों की ऐसे ऐसे कमेंट आते रहे थे कि हमारा समुराई बंडल कब आएगा, तो चलो यार हमारा समुराई की तो इवेंट आ चुका है बाहर की पर, तो इंडियन सफर के बारे में भी हम लोग बात करने वाला है। बाकी तो यार आप लोगों में से जो भी भाई लोगों ने समुराई के लिए वेट कर रहा है उसको बात एक ही बात बोलूँगा कि डायमंड को सेव करना
स्टार्ट कर दो, क्योंकि कहीं ज़्यादा टाइम नहीं है। बाहर के दो सर्वर पर आज के डेट में रिटर्न आया है, मतलब इंडियन सर्वर पर आने का ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कुछ ही दिन के अंदर अंदर आप लोगों को इंडियन सर्वर पर भी देखने के लिए मिल जाएगा। ज़्यादा तक तो मैं बता सकता हूँ कि अपडेट के 10 दिन बाद ही आ जाएगा, लेकिन अभी इसको आप लोग पकड़ के मत चलना कि अपडेट के 10 दिन बाद ही आ जाएगा। देखो अभी तो मेरे पास कोई कन्फर्म अपडेट वगैरह नहीं है, ज़्यादा तक लीक्स ऐसा रह रहा है कि आप लोगों को कुछ ही दिन पे देखने के लिए मिलेगा। इसके लिए बता रहा हूँ कि आप लोग डायमंड को सेव करना स्टार्ट कर दो। इसके बाद में भाई काफ़ी सारा भाई का ऐसा कमेंट था कि भाई मैं रोज़ वीडियो देखता हूँ आपका, एंजेलिक पेंट कब आएगा प्लीज़ बता दो, और कोबड़ा बंडल कब आएगा यहाँ पर रिटर्न डेट के लिए पूछ रहा है। तो कोबड़ा बंडल बता दूंगा, एंजेलिक पेंट आप लोग को अभी के डेट पे देखने के लिए नहीं मिलेगा, रमदन इवेंट का टाइम देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद में कोबड़ा बंडल रिटर्न कब आएगा कन्फर्म डेट बताओ अपना प्लीज़। तो कोबड़ा बंडल की अगर मैं बात करें तो कोबड़ा बंडल मैं लास्ट में जाकर बताता हूँ भाई। इसके बाद में देखो वही भाई का कमेंट था भाई AK-47 रिटर्न कब आएगा, उसी के नीचे यहाँ पे देख सकते हो तीन भाई ने यहाँ पे रिप्लाई दिया है, वो तीन ही कमेंट वहाँ पे था जो मैं आप लोगों को पहले दिखा चुका हूँ। इसके बाद में भाई कोबड़ा बंडल निकालना है कि डायमंड कितना लगेगा बता दो। तो डायमंड तो बहुत सारा चाहिए भाई, यहाँ पे कोबड़ा बंडल चाहिए और मर्डर से बात मत कर लो प्लीज़। हाँ ठीक है गाइस, ऐसा बात मत करूँगा। इसके बाद में यहाँ पे भाई पर्पल सेट बंडल कब आएगा प्लीज़ पिक, कमेंट पिक कर दूंगा भाई। पिक करने के लिए लिखना नहीं पड़ेगा, कमेंट को मैं सभी का पिक कर दूंगा। ये भाई मेरे पास नया कमेंट किया है लेकिन फिर भी मैं इसका कमेंट को पिक कर दिया हूँ। और मार्टर वाली बात के बात करें तो गाइस यार कोबड़ा बंडल तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके लिए थोड़ा तो वेट करना पड़ेगा, अभी एंड में जाके ही बताता हूँ। इसके बाद में भाई आप प्लीज़ मेरा आईडी पर रिक्वेस्ट भेज दो, मेरा यूआईडी भी दे दिया है भाई ने। भाई आपका जैसा कोई नहीं बताओ यूट्यूबर इतने अच्छे से। भैया न्यू ईवो बंडल कौन सा है और कब आएगा प्लीज़ बताओ। तो न्यू ईवो बंडल कार्ड में मैं कुछ ही दिन में बताने वाला हूँ, पहले अपडेट आने दो इसके बाद ही बता दूंगा। इसके बाद में भाई ने मैसेज किया कि भाई मैं आपका हर बार सपोर्ट करूँगा। तो बहुत ही बढ़िया भाई, आप लोग कितना सपोर्ट करते हो, इसके लिए वीडियो बनाने में भी बहुत अच्छा लगता है मुझे। इसके बाद में भाई ने मैसेज किया कि भाई कोई सपोर्ट करो हमारा, इस लिए बहुत मेहनत कर रहा है। हाँ भाई बहुत ही मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि देखो एक वीडियो बनाने में ही है ना मेरा पूरा 2 कलाक चला जाता है। आप लोगों को कोबड़ा बंडल भी रिटर्न में देखने के लिए मिल जाएगा, मतलब आप लोग इतना पकड़ के चल सकते हो कि आप लोगों का फेब्रुअरी मंथ के अंदर ही आ जाएगा। अभी यार जनवरी मंथ तो खत्म होने जा रहा है, इसके लिए इसका कोई अपडेट नहीं मिल रहा है। आप लोगों को फेब्रुअरी मंथ के अंदर मतलब कब देखने के लिए मिलेगा ये मैं आप लोगों को अपडेट के बाद कंफर्मेशन करके बता दूंगा। अभी देखो यार 2-1 दिन में अपडेट है ना, इसके लिए मैं कंफर्म करके नहीं बता सकता हूं कि कब तक आएगा। तो 2-1 दिन तक आप लोग वेट और कर लो, मैं कंफर्म अपडेट जरूर से आप लोग को दे दूंगा। बाकी तो आज की वीडियो बस इतना सही था, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो भी आप लोगों को पसंद है। अगर पसंद है तो जब से लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।